हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज हम लोग क्या है, इंडेक्स नंबर का ये लास्ट प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, लास्ट हमारा ये है मेथड है। ठीक है, इसमें क्या है, चेन बेस्ड इंडाइस द स्पेलिंग एंड द बेस शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई क्वेरीज है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो भी क्वेरीज आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर इंटू चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब मुझे बताओ फिक्स बेस्ड इंडेक्स ये क्या है, इसके नाम से क्या पता चल रहा है, फिक्स्ड बेस, जिसका बेस फिक्स्ड है। दैट मींस अगर मुझे ये इयर्स दिए हो, ठीक है, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे आपको क्या दिए हुए हैं, बेस दिया हो, ये आपको क्या पूरे इयर्स दिए। अगर मैं अज्यूम करूँ कि 2009 के लिए मैं एज अ 100 क्या करती हूँ, अपना बेस, ठीक है, 100 तक इसको मैं क्या कर रही हूँ, बेस अज्यूम कर रही इन सभी ईयर के लिए। ठीक है, जो 2015 तक है, 2010 से लेके 2015 तक जितने भी ईयर्स मुझे दिए हुए हैं उनका मैं बेस फिक्स कर रही हूँ क्या, 2009। ठीक है, तो ये जो 100 है इन सबको मैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए मैं इसे बेस पकड़ूंगी। दैट मींस ये मेरे क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया हमारा, फिक्स बेस इंडेक्स। और डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, चेन बेस इंडेक्स में। अब चेन बेस इंडेक्स होता क्या है, चेन, ठीक है, अगर मैं 2010 को अपना 2011 का बेस पकड़ रही हूँ, फिर 2011 को बेस 2012 का पकड़ रही हूँ, फिर 2012 को 13 का, ऐसे जो मैं चेन बना रही हूँ यहाँ से यहाँ, इसे बोलते हैं क्या, चेन बेस इंडेक्स। क्लियर है, तो अब देखो, ठीक है, हमको क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, हमको फिक्स बेस इंडेक्स हमको ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है चेन बेस इंडेक्स में। तो क्या करेंगे, ये दिख रहा है फिक्स बेस इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये सारी वैल्यूज दी है फिक्स बेस इंडेक्स की, तो हमको क्या करना है, पहले इसका रिलेटिव लिंक रिलेटिव निकालना है। अब लिंक रिलेटिव निकालेंगे कैसे, तो मैं क्या कर रही हूँ, हमें करना क्या है, इसमें जो पहला हमको 2010 ईयर दिया है वो हमारा डैश होगा। अब क्यों डैश होगा, क्योंकि हमको बोला क्या है, चेन बेस इंडेक्स निकालने के लिए। तो अगर मुझे 2010 का निकालना है तो मुझे 2009 पता रहना चाहिए, क्या मुझे 2009 पता है, नहीं, मुझे 2010 से मुझे डाटा दिया हुआ है तो मेरा 2010 का लिंक रिलेटिव नहीं निकलेगा। क्लियर है, या फिर मेरा लिंक रिलेटिव एज इट इज कितना है यहाँ पे, 376, तो मेरा एज इट इज यहाँ पे 376 ही होगा, क्योंकि मुझे बेस ईयर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। क्लियर है, अब देखो 2011 है तो 2011 को मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 2011 की मेरी वैल्यू कितनी थी, 392। क्लियर है, तो मैंने उसको डिवाइड किया, 2011 का बेस ईयर क्या होगा, ऑब्वियसली 2010 होगा, तो मैंने 10 के फिक्स बेस इंडेक्स से मैंने उसको डिवाइड किया इनटू 100 किया। क्लियर है, कितना है, 104.26 आ गया। सेम मुझे 2012 का करना है, 408 डिवाइडेड बाय 2012 का बेस क्या होगा, 2011 उसकी वैल्यू क्या है, 392, देखो डिवाइडेड बाय 392 इनटू 100। ठीक है, इसको इसका आंसर कितना आया, 104.08। ऐसे ही आपको ये पूरा कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, ये चेन है इसलिए क्या बन रही है हमारी, मैंने 10 को 11 का बेस पकड़ा तो देखो 10 की वैल्यू यहाँ पे नीचे आ गई, अब 11 को मैं 12 का बेस पकड़ूंगी, फिर मैं 12 को 13 का बेस पकड़ूंगी और 13 को 14 का एंड देन 14 को 15 का, ये क्या बन रही है हमारी, चेन बन रही है। तो आ गया हमारा रिलेटिव लिंक। अब रिलेटिव लिंक आने के बाद में हमको चेन इंडेक्स बनाना है, तो सिंपल 2010 का हमको के ऊपर का, 2009 का हमको कोई डाटा दिया नहीं, इसे 2010 की वैल्यू देखो एज इट इज 376 आई है। आपका करना क्या है, हमारे पास लिंक रिलेटिव आ गया है ना, लिंक रिलेटिव आने के बाद जो हमारा लिंक रिलेटिव है उसको मुझे इंटू करना है किससे, बेस ईयर से।
ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं लिंक रिलेटिव है, मैं उसको इंटू कर रही हूँ, जो भी बेस होगा 2011 का बेस कौन सा है, 2010, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है, फिक्स बेस इंडेक्स कितना है, 376, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 376 को क्या करूँगी, इंटू करूँगी और डिवाइड बाय 100। अब डिवाइड बाय 100 क्यों, क्योंकि मुझे परसेंटेज में नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे आंसर में, इसलिए मैं डिवाइड बाय क्या कर रही हूँ, 100 कर रही हूँ। क्लियर है? सेम हमको क्या करना है, ये नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं फिर से अपना ये जो दिया हुआ है मेरा रिलेटिव लिंक, 2012 का रिलेटिव लिंक कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 104.08, ठीक है दिख रहा है, और उसको मैं किससे इंटू करूंगी, 2012 के बेस ईयर से, तो 2012 का बेस ईयर कौन सा होगा, 2011, और उसका फिक्स बेस इंडेक्स किया है 392, ठीक है, 392 इंटू 104.08 डिवाइड बाय 100 कितना आया, 408। ऐसे ही आपको ये पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। और ये लास्ट वाला एक बता देती हूँ, ठीक है, 2015 का आप लोगों को रिलेटिव लिंक कितना है, 102.04, इसका अब 2015 का बेस कौन सा है, 2014, 2014 की फिक्स बेस इंडेक्स कितना है, 392, 392 इंटू 102.04 दिख रहा है, 392 इंटू 102.04 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 400। ऐसे ही करके आप लोगों को सॉल्व करना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टिल बाय।